हेलो हाय एवरीवन, मैं आपका इंटरनेशनल कोच, 18 एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट इन 800 मीटर, क्वालिफायर फॉर ओलंपिक टोक्यो 2021 3000 मीटर स्टीपल चेस। आज मैं आपको बताऊंगा रनिंग के बारे में कि रनिंग की टेक्निक, रनिंग कैसे दौड़ते हैं या दौड़ को कैसे दौड़ा जाता है। मैं और मेरा साथी इंटरनेशनल कोच मिस्टर अलेक्जेंडर, जिसने काफी ओलंपियन दिए हैं, उसके साथ मिलकर आज हम आपको बताएंगे कि रनिंग टो पे दौड़ना है या पूरे पैर पे दौड़ना है। ओके, थैंक यू वेरी मच, चलते हैं रनिंग टेक्निक पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा आप कैसे दौड़ना है, यानी कि रनिंग की टेक्निक, दौड़ने की टेक्निक के बारे में हम आज आपको बताएंगे। जैसे कि आपने पूछा था कि कोच साहब रनिंग हम कैसे करें, उसकी एक टेक्निक बताइए, तो साथ ही मैंने भी इसमें कोशिश की आपको बताने की बिल्कुल बारीकी से और प्रैक्टिकल। जब आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आपको ये पता लगेगा हम रनिंग कैसे हमें दौड़ना चाहिए। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि रनिंग जो टेक्निक है आपकी, वो बेसिक तभी सुधरती है जब आप स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब आप कई साल दौड़ते दौड़ते हो जाते हैं उस टाइम पर आप थोड़ा सुधार कर सकते हैं, उसको ज़्यादा नहीं कर सकते। तो मैंने मेरे साथी जो इंटरनेशनल कोच हैं और विदेशी कोच हैं, जिनका नाम है मिस्टर अलेक्जेंडर, उनसे भी मैंने कोशिश की है समझाने की कि आपको, उन्होंने भी एक डेमो दिया है जो आपको समझ में आएगा और बड़ा शानदार डेमो उन्होंने दिया। थोड़ी देर आप हंसेंगे भी और उस टेक्निक को देखेंगे भी, और सबसे लास्ट में आपकी वो टेक्निक आएगी जब सबसे लास्ट एक्सरसाइज है या लास्ट टिप्स आप कह सकते हैं, जब आप ये कहते हैं सर हमारी रनिंग टेक्निक अगर थोड़ा बिगड़ी हुई है या हाथ हमारे कंट्रोल में नहीं है, हाथ लेफ्ट राइट जाते हैं, 90 डिग्री में नहीं जाते हैं, उनको सुधारने के लिए एक लास्ट में एक इंटरनेशनल एथलीट है उसके द्वारा वो एक्सरसाइज मैंने दी गई है, आप उसको करेंगे और आपकी रनिंग टेक्निक सुधर जाएगी। कंटिन्यू आप डेली, जब भी आपका सेशन होता है तो वीक में कम से कम डेली नहीं कर सकते, तो 3-4 बार पक्का करें, 2-3 मिनट का एक सेट लगाएं अगर आपकी कैपेसिटी है, और कैपेसिटी नहीं है तो आप 1-1 मिनट का सेट लगा सकते हैं। हाथ में कुछ भी ले सकते हैं आप, वो डम्बल भी हो सकते हैं, आयरन बैंड भी हो सकता है, स्टोन भी हो सकता है, जो भी आपको पसंद आता है, तो वो आप देखेंगे और आपको अच्छा लगेगा और पसंद आएगी। जब हम खड़े होते हैं तो ये पोजीशन होता है, हम खड़े होते हैं तो पोजीशन ये होता है, तो कुछ खिलाड़ियों का कहना ये है कि हम पंजे पे दौड़ते हैं जो ये एक्शन है, जब आप ऐसे दौड़ेंगे इस पंजे पे तो इंजरी होगी इधर फिंगर पे, इसलिए पंजे से दौड़ना अच्छा नहीं है। अब पंजे पर कौन लोग दौड़ते हैं, जो स्पिनर होते हैं उनका काम थोड़ा सा होता है तो पंजे पे दौड़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर जितने भी खिलाड़ी हैं वो पैर का जो पंजा है आपका ये हाफ, ये ऐसे होना चाहिए जब आप दौड़ते हैं तो इतना आना चाहिए, ये पोजिशन आपका बिल्कुल फिट है, तो आपका ये कदम ऐसा आएगा तो ये आएगा ये एक्शन, ये नहीं ये गलत और ये है सही। इस तरह आप अगर रनिंग करेंगे तो आपके पैर में इंजरी कम होगी और ये पोजीशन है आपका। अब इसी में आता है कि आप करते हैं कि हम स्टार्ट लंबी करते हैं, ऐसे जाएंगे खींच के ये और फिर पीछे से भी लाएंगे, जब इतना लंबा आप खींच के ये पैर को घुमा के यहाँ लाएंगे तो इसका समय बर्बाद होगा, इसलिए लंबा स्टेप लॉन्ग स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आपका फ्रीक्वेंसी ये आनी चाहिए, ये है आपका फास्ट। जब आप यहाँ पे आएंगे ये एक्शन फास्ट फास्ट, तो आपकी फ्रीक्वेंसी अगर फास्ट होगी तो आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट होगी। वर्ल्ड लेवल के जितने भी एथलीट आपने देखे होंगे उनकी स्टार्ट लेंथ लंबी नहीं है, उनकी फ्रीक्वेंसी फास्ट है, और ये एक्शन आपका यहाँ आता है, ये आना की जरूरत नहीं है। Show the action. Possible, but understanding. Yes. Kitty pillow. Every kitty have pillow. Yes. Little pillow. Yes. On leg. Not on toe. No. Not on finger. No. Yes. No finger. No. Okay. Show me.
This is Alexander International Coach. Very easy. Kitty pillow. Oh, kitty pillow. No toe is not good. Not finger, not needle. यह एथलीट आपको करके दिखाएगा कि रनिंग कैसे करते हैं. बिल्कुल स्लो मोशन में दिखाएगा, नेचुरल. जो नेचुरल कैसे रनिंग करते हैं, किस तरह से आगे बढ़ते हैं हैनी एक्शन में और फिर आगे बढ़ जाते हैं स्पीड से, और कितने हम टोपे दौड़ते हैं या पूरे पैर पे दौड़ते हैं या हिल पे दौड़ते हैं, आप सारा इसे गौर से देखें और आपकी समझ में अच्छी तरह आएगा. ये इंटरनेशनल एथलीट यह स्लो मोशन में आपको दिखा रहा है जो ऑन टो है, और टो पे जब हम दौड़ते हैं तो इंजरी के चांसेस होते हैं, इसलिए आप इसको गौर से देखिए. ये टो पे जा रहा है, गलत है. इसमें इस एथलीट ने थोड़ा ठीक करने की कोशिश की है कि हम ठीक करके दिखाने की कोशिश इसमें की है, लेकिन अभी पूरा ठीक नहीं है. आप इसको फिर गौर से देखें. जो ठीक होने वाली एक्सरसाइज है वो इससे आगे मैं दिखाऊंगा, आप इसको फिर देखें. चलो, इसमें जब आप देखेंगे, जैसे कि आप बोलते हैं एक लंबा कदम करने की कोशिश की है इसने, लेकिन जब ये लंबा कदम करता है तो बॉडी का एक्शन खराब हो जाता है, इसलिए अब ये धीरे धीरे इसको ठीक करता जा रहा है. अब आप थोड़ा जॉगिंग में देखेंगे तो ये अपने कदम को सही रख रहा है. इसी तरह से जब ये धीरे धीरे इंक्रीज करता है और अपनी स्पीड में आता है कि जो ओरिजिनल रनिंग स्टाइल होती है उसकी तरफ ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, और आप गौर से केवल इसके पोस्चर को ना देखें, आप इसके पैरों का एक्शन देखें. जब पैरों का एक्शन देखेंगे तो आपको पता लगेगा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अब ये ठीक हो चुका है. यह आपका नॉर्मल एक्शन है, बिल्कुल इजी एक्शन में आप देख सकते हैं, और ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है आपको. यह आपकी प्रॉपर रनिंग स्टाइल है, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होती है, और आप 5 से 8 मीटर सामने देखते हैं. हाथ 90 डिग्री की तरफ होते हैं, ना ज़्यादा ऊपर जाते हैं ना ज़्यादा नीचे जाते हैं और ना साइड में. ये आपका प्रॉपर पोजिशन है, इससे आप दौड़ेंगे तो बॉडी रिलैक्स रहेगी. यह आपकी प्रॉपर रनिंग स्टाइल है, यानी कि रनिंग टेक्निक है जो आप देख रहे हैं. जब आप इस तरह से रनिंग करेंगे तो आपका जो रनिंग स्पीड है वो बिल्कुल सुधरेगी, आपका पोस्चर भी सुधरेगा. आप देखेंगे 90 डिग्री है प्रॉपर, जो हाथ होने चाहिए उस तरह से, और दूसरा इसका जो पोस्चर है बहुत अच्छा है. जिन लोगों के टेक्निक ख़राब है अपना सही करना चाहते हैं, हाथ में 200-200 ग्राम या 250-250 ग्राम के स्टोन ले सकते हैं, या आप स्मॉल डंबल ले सकते हैं, एज पर योर डिपेंड. जैसे भी आप कर सकते हैं, दोनों हाथ में कुछ वजन लें और नज़र सामने 5 से 8 फीट और करें एक्सरसाइज. तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई आपकी टेक्निक आपके काम आएगी और नौजवानों के काम आएगी. तो आप सीरीज देखें और इसका फ़ायदा उठाएं. और जो इंटरनेशनल कोच मेरे साथ है, जिन्होंने ये बताया है, मिस्टर अलेक्जेंडर, वो याद रहे पिछले 10 से 12 साल से हिंदुस्तान टीम के साथ काम कर रहा है, और काफ़ी ओलंपियन उस कोच ने दिए हैं जिसने आपको ये डेमो दिया है. जैसे कि लाइक इरफान केडी है, गणपति है, देविंदर है, और अभी भावना जाट है लेटेस्ट. तो ये काफ़ी ऐसे खिलाड़ी हैं, मिस्टर जुनेद है, जो नए नए खिलाड़ी आ रहे हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो इसी कोच के अंडर अभी फ़िलहाल ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो मेरे साथ में हैं और ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं और ओलंपिक क्वालिफाई कर भी चुके हैं. तो आप उसे गौर से देखेंगे, हो सकता है उसकी लैंग्वेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, लेकिन आपकी समझ में पक्का आएगा क्योंकि मैंने उसे पहले बताया है. तो अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ, और एक अच्छी वीडियो के साथ फिर मैं आपके साथ आऊँगा. जब तक के लिए धन्यवाद, और जय हिंद, जय भारत. याद रखिए, ये आपका चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कराइए. नौजवानों को फ़ायदा होना चाहिए, मेरा मेन मकसद यही है कि हिंदुस्तान में कोई टैलेंट ना छुप जाए जो ये कह सके कि मुझे ट्रेनिंग नहीं मिली. ओके, वंदे मातरम.